हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए हम लोगों ने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। एंड सबसे पहले हम सामग्री बता देते हैं इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। गाजर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे 3 गाजर मैंने कद्दूकस कर लिया है। कम से कम इसी के अनुसार, अगर मान लीजिए आप 3 गाजर ले रहे, तो इसके हिसाब से मैं लगभग लगभग 300 to 400 ml दूध लूँगा। इसके अलावा काजू, आलमंड, बादाम एंड इलायची, ये सब मैं लूँगा। शुगर्स लूँगा, शुगर के अलावा बढ़िया घी लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गैस को ऑन कर लेते हैं। तो ये गैस ऑन हो गया है। इसमें हम सबसे पहले दूध डाल लेते हैं। ये दूध मैं ऑलरेडी गर्म कर चुका था, आप भी गर्म करके रख सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से दूध डाल लीजिए। अगर आपने ठंडा दूध का यूज़ किया है तो इसे थोड़ा खौला लें इसमें पहले। इसके बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे। मैंने इसमें गाजर डाल लिया है। इसे अच्छी तरह 10-15 मिनट तक मैं धीमे आंच पे गर्म होने दूंगा, ताकि ये नरम हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे मैं पानी का एकदम इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जब तक ये अच्छी तरह गर्म हो जाए और गाजर में अच्छी तरह दूध मिल जाए, हम लोग जो आलमंड, मैंने यहाँ काजू नहीं लिया है, बट आप इसमें काजू ज़रूर से डालें। काजू, आलमंड, बादाम और 2 इलायची लिए हैं मैंने। तो इसे मैं हल्का, मतलब एकदम हल्का 2 सेकंड के लिए ग्राइंड कर देता हूँ। आप चाहे तो इसे हाथों से तोड़ भी सकते हैं। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया। इसे थोड़ी देर में चलाते रहें। अब मैं इसे ग्राइंड किया हुआ इसमें डाल देता हूँ और अच्छी तरह मिला लेता हूँ। बनाने वक्त अगर आपको लगे कि दूध थोड़ा कम है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा दूध डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी चम्मच से लगभग लगभग 3 से 4 चम्मच चीनी डाल ले रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में गाजर ले रहे हैं और कितने क्वांटिटी में गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो बेस्ट ऑन दैट, जैसे आप भी चीनी का यूज करें। और हल्का मीठा होना ज़रूरी है, ताकि हलवा का सिग्निफिकेंट बना रहे। इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हैं। इसे होटल वाले गाजर के हलवे का टेस्ट देने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ डालेंगे जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, उसे बादाम मिल्क पाउडर बोलते हैं। सो इसमें हम लगभग लगभग 2 चम्मच बादाम मिल्क पाउडर डालेंगे। सो ये बादाम मिल्क पाउडर है, मैं इसे डाल देता हूँ। एक्स्ट्रा अब इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। तो चीनी और बादाम मिल्क दोनों, मतलब में शुगर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है चीनी मीठा हो गई। तो बादाम मिल्क भी मीठा होता है, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो आप चीनी उसी अनुपात पर डालें कि ताकि अधिक मीठा ना हो जाए। इसे अच्छी तरह लगभग लगभग 20 से 30 मिनट तक पकाना होता है। अगर दूध कम पड़े तो दूध तो ऊपर से डाल दें। पकाने का रीज़न ये है कि आपको गाजर कच्चा ना लगे जब आप इसे खाएं। अब मैं इसमें ऊपर से बढ़िया घी डाल लेता हूँ। लगभग लगभग मैं यहाँ 1.5 से 2 चम्मच यूज कर रहा हूँ, छोटे चम्मच से। इसमें अच्छी तरह मिला लूँगा।
गैस के फ्लेम को स्लो में करके मैं इसे ढकने वाला हूँ। तो मैंने इसमें लगभग 25 डाल दिया है। अब हम वेट करेंगे 20-30 मिनट्स, देन उसे हम सर्व करने के लिए ये करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब तक ये होता है तब तक लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। सो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ट्राई टू मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो लेट्स मीट आफ्टर 20-30 मिनट्स। सो लगभग लगभग अब 20 मिनट्स हो गई है। चलिए देखते हैं। मैं बीच बीच में इसे चला रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड साइड में थोड़ा येलोइश हो गया है। इसे अच्छी तरह मिला के मतलब चलाते रहिए। बहुत से अदर वीडियो में आप इसे पाएंगे कि एंड में बहुत सारे लोग इसमें खोया डालते हैं, देन उसके बाद मिल्क पाउडर डालते हैं। बहुत सारे लोगों को इसे गर्म खाना पसंद होता है, बहुत सारे लोग इसे फ्रिज में ठंडा करके खाना चाहते हैं। सो ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। बट इसे सर्व करने के पहले हम इसे 1 से 2 घंटे तक गैस को बंद करके इसी तरह ढक कर रहने देंगे ताकि जो भी मतलब बची हुई मतलब गाजर है वो अच्छी तरह पक जाए। तो फ्रेंड, अब ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये गाजर का हलवा इस तरह से हो गया है। अगर आप इसे गर्म खाना पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा हल्के आँच में गर्म कर लें और चलाते रहें मिक्सर ताकि ये जले हैं। और अगर आप इसे ठंडा पसंद करते हैं तो इसे फ्रिज में रख लें आधे घंटे तक, एंड देन सर्व इट। इट विल ट्रस्ट मी, इट वुड बी रियली टेस्टी एंड इट विल फेल द रेस्टोरेंट रेसिपीज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने ट्राई किया है और ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर